हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आज जो आपको बताने चाह रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, ठीक है बच्चों? ये बेटा प्लीज़, जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेटा वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आज वीडियो में मतलब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपके रिजल्ट से रिलेटेड कुछ बातों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, मैं कुछ उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। ऐसे मैं यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन ना दें बच्चों को कि यह बच्चे परेशान हो जाएं, ठीक है? जैसे कि बता देखा है कि भाई कुछ यूट्यूबर हैं, देखा मैंने उसमें, मतलब कि यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई रिजल्ट जो है वो 20 जून को आने वाला है। मुझे एक बात बताइए, 20 जून को रिजल्ट कैसे आ जाएगा, ठीक है भाई? रिजल्ट अभी तो कुछ मान लो 10th क्लास के एग्जाम ही बच रहे हैं, 12th क्लास के एग्जाम पेंडिंग हैं जो जुलाई में होने हैं, तो बताइए अभी एग्जाम पूरे कंडक्ट नहीं हुए, रिजल्ट कैसे दे देगी सीबीएसई? बताइए, हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है ना। तो आप मेरी बस उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो है इस अफवाह पे ध्यान ना दें, ठीक है? और यूट्यूबर वाले मतलब जो बनाते हैं ऐसे वीडियो, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है ऐसी वीडियो मत डालें, ठीक है? एक तो देखिए लॉकडाउन की स्थिति है, बच्चे वैसे ही बेचारे परेशान हैं, ठीक है? और आप ऐसी न्यूज़ सुनाकर बच्चों को और टेंशन दे देते हैं, ठीक है? आप इस चीज़ को समझें भाई। मैं खुद अपनी बात बताता हूँ कि भाई जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे को कितनी, जब रिजल्ट मतलब मैंने सुनी कि भाई कल रिजल्ट आने वाला है, तो सोचो रात को क्या हुआ भाई, जब रिजल्ट आने वाला होता है ना तो नींद नहीं आती रात को, खाना मतलब खाना दुश्वार हो जाता, खाना नहीं खाया जाता, कितनी टेंशन हो जाती है माइंड में, रात भर नींद नहीं आती, सोचिए। तो आप वैसी एक तो लॉकडाउन की स्थिति आ रहा है, ऐसी न्यूज़ सुना के बच्चों को और टेंशन दे रहे हैं आप, ठीक है? देखिए रिजल्ट आ जाएगा, मतलब आप जब जो चीज़ अगस्त में होने वाली है वो आप ऐसा न्यूज़ दे के क्या मतलब बताना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों से बस सबसे मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ऐसी वीडियो को ना डालें, ठीक है? चलिए तो आगे और बात करना चाहते हैं कि भाई देखिए आप लोग एक तो भाई मतलब बच्चों की फीलिंग समझें कि ऐसी स्थिति में क्या वो मतलब उनकी फीलिंग उन पे गुजर रहा है, ठीक है? चलिए तो क्या आप देखिए इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मतलब मैं अपने चैनल नहीं, आपका ही चैनल है, ठीक है? मैं ये बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई जो हमारे सीबीएसई वाले हैं, ठीक है, और हमारे जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, तो उनसे बस मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया जाए, ठीक है? कि एग्ज़ाम इसलिए पोस्टपोन कर दिया जाए कि देखिए ऐसी एक तो बहुत मतलब केसेस जो हैं कोरोना के बहुत बढ़ रहे हैं, डेंजरस स्थिति है भाई। ऐसी स्थिति में देखो गर्मी भी बहुत बढ़ रही है। अब जैसे बच्चे हैं हमारे, मान लीजिए वो अगर सपोज स्कूल में जाएंगे, ठीक है, और मास्क ला के जाएंगे, सैनिटाइजर लेके जाएंगे, मास्क ला के जाएंगे, तो देखो हम तो बड़े बच्चे, हम तो बड़े लोग हैं, हम मतलब जो है अच्छी तरीके से मतलब 1-2-3 घंटे आराम से मास्क ला के रह सकते हैं, ठीक है? बट जो बच्चे हैं, मान लीजिए उनको पसीना आएगा, तो वो ओबेसी बात है अपने हाथ को मुंह पे लेके जाएंगे और फिर टच करेंगे। सपोज मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा, इन्फेक्टेड बच्चा आ गया पेपर देने, ठीक है, और उसे खुद भी नहीं पता कि वो इन्फेक्टेड है, वो आ गया मान लीजिए, ठीक है, उसने अपने दोस्त को हाय हेलो, पता ही है आपको दोस्त लोग बच्चे जाते हैं स्कूल में तो और कैसा है, हाय हेलो करते ही हैं, ठीक है, तो वो मानेंगे नहीं, ठीक। उसके बाद चलिए मान भी गए, ठीक है, मैं मानता हूँ कि चलो सबको इंस्ट्रक्शन दी घर वालों ने, मान गए, तो मान लीजिए सपोज मान लीजिए वो डेस्क पे बैठे या फिर वॉशरूम गए, वॉशरूम में मतलब चीज़ों को छुआ, तो वहाँ पे दूसरे बच्चे वॉशरूम गए या फिर पानी पीने गए वहाँ पे छुआ, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो इसलिए बस मेरी सीबीएसई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए, जिससे कि भाई बच्चे जो हैं और प्रॉब्लम में ना आए, ठीक है? और एक रिक्वेस्ट और है कि भाई मॉडरेशन पॉलिसी को भी लाया जाए, जिससे कि जो बच्चों के रिजल्ट है वो अच्छे से अच्छा आए, क्योंकि देखिए इस समय भाई, अब उस समय पीछे अभी हाल ही में दंगे हुए तो बच्चों बेचारे परेशान हो गए, किस तरीके से उनका मेंटली मतलब प्रेशर आया उन पे, कैसे उन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो वो स्थिति, फिर उसके बाद ये कोरोना का केस, तो स्थिति बच्चों पे बहुत ही मतलब थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरी बस रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम जो है वो मतलब पोस्टपोन होने चाहिए, ठीक है? बाकी तो जो है आगे वो सीबीएसई की मर्जी और एचआरडी मिनिस्ट्री की मर्जी, मतलब देखा जाएगा कि केस कैसे आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो अब भाई मैं और कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक तो मैं बातें करना चाहता हूँ कि जो हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, ठीक है, और नर्सिंग स्टाफ हो गई या फिर हमारे डॉक्टर जो हो गए, हॉस्पिटल के सारे स्टाफ, ठीक है, उनको तो मैं सल्यूट करना चाहता हूँ कि इतनी गर्मी में भी वो लोग मास्क लगा के पीपी किट पहन के मतलब
पूरी अपने काम को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। सोचिए कितनी बहुत ही मतलब फ़ख्र की बात है, कितने अच्छी तरीके से कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, तो उनको तो सल्यूट करना चाहिए। बट जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो गर्मी में कैसे मतलब मास्क को मतलब देखिए मैं 3 घंटे तो पेपर के हो गए, मान लीजिए 2 घंटे आने के जाने के, मतलब कम से कम अराउंड 5 to 6 hours ले लीजिए, कैसे करेंगे मैनेज, वो बहुत समस्या वाली बात है, ठीक है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं मैं इसलिए बस आपसे मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो है आप इस CBSE के एग्ज़ाम को द्वारा आप देखें कि एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो CBSE से मेरी रिक्वेस्ट है और मेरी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि आप बेटा टेंशन मत लो, ठीक है, आप जो होना है वो तो होगा ही, आप बस अपनी स्टडी करते रहें, ठीक है, आगे जो भी जैसे भी न्यूज़ आएगी और वो देखा जाएगा, ठीक। तो अब देखिए जैसे कि भाई अगर मान लीजिए CBSE के एग्ज़ाम 10th 12th के नहीं हुए तो क्या होगा भाई, JEE के और नीट के एग्जाम भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सारा कुछ JEE और नीट का तो CBSE के रिजल्ट पे ना 75% आएंगे, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो भाई CTET का एग्जाम भी है, भी होना है, तो वो उसमें भी थोड़ी सी असमंजस है कि भाई हर जगह नोडल सेंटर बनेंगे, इतने सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, सैनिटाइज हो प्रॉपर, बच्चे आए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊँ इतना आपको डिटेल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इस चीज़ में मतलब बहुत अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गई ये चीज़ें, तो उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जाते जाते मैं बच्चों से कुछ कहना चाहता हूँ बच्चों कि एक जो बच्चों अध्यापक होता है, ध्यान सुनिएगा, एक जो बच्चों अध्यापक होता है वो अपनी लाइफ में हमेशा खुद अंधेरे में रहता है और दूसरों को रोशनी में रखता है और दूसरे की ज़िंदगी में उजाला लाता है, ठीक है। जैसे कि एक दीपक, दीपक जब जलता है बच्चों देखा होगा आपने, तो वो देखो प्रकाश करता है, सबको रोशनी देता है, मगर खुद उसके नीचे देखो अंधेरा रहता है। तो वही चीज़ है बच्चों, टीचर जो होता है, अध्यापक जो होते हैं, ठीक है, मेरे जितने भी मतलब अध्यापक गण हैं, जितने भी हमारे अध्यापक सहपाठी हैं, वो इस चीज़ को देख रहे हैं, वो खुद सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे मेरे जो दोस्त हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है, और वो इन चीज़ों पर यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो वही चीज़ है बेटा, अध्यापक जो है बहुत आप लोगों के सपोर्ट में है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अच्छा एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि बच्चों देखिए मोटिवेशनल बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में, ठीक। तो देखिए आप जो है मोटिवेशन ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे आप वीडियो देखें या फिर कहीं से आप मतलब कुछ करें, बहुत सारे देखो यूट्यूब पे कंटेंट है वीडियो देखने का मोटिवेशनल का, तो बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि देखो सब मोटिवेशन क्या होता है, सबसे बड़ा सेल्फ मोटिवेशन होता है आप अपने मम्मी पापा को देखें, ठीक है, आप अपने मम्मी पापा को देखें कि आपकी मम्मी पापा जो हैं वो किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, रखते हैं, वो किस तरीके से अपनी इस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ वो आज हैं। आप उनसे एक बार अपने पापा जी से बात करके देखिए कि वो किस तरीके से पहुँचे, जब वो आपको अपनी कहानी सुनाएंगे तब आपको मोटिवेशन अंदर से आएगा कि नहीं मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, ठीक है। और हमेशा जब भी कोई लाइव मोटिवेशन है ये, जब भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो अपने पापा जी से बात करें, ठीक है, अपने पिताजी से बात करें, अपनी माँ से बात करें कि माँ मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी, ठीक है बच्चों। तो ये एक मतलब एक जस्ट सजेशन था। अच्छा मैं आपको ये नहीं कहूँगा बच्चों कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, आपको लगता है कि अगर भाई हाँ मुझे इस चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, आगे न्यूज़ मिलेंगी और पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे, तो चैनल को मैं सब्सक्राइब करूं, ठीक है, तो आपकी मर्जी है आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आपके ऊपर है, ठीक है। अगर ज़्यादा ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बात आगे पहुँचेगी CBSE तक, ठीक है, फिर हमारे HRD मिनिस्ट्री तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर देखा एक्शन लिया जाएगा कि सब बच्चों का या पेरेंट्स का क्या मतलब एक तरीके से सजेशन है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और मैंने अपने चैनल पे बच्चों 9th क्लास की 10th क्लास की मैथमेटिक्स की और साइंस की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पे जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि भाई आपकी साइंस की वीडियो और 9th क्लास की मैथ्स की वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको शॉर्टकट कैलकुलेशन और आपको जो गवर्नमेंट जॉब के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, ठीक है, बी सेफ एंड स्टे एट होम, थैंक यू बच्चों।